नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल नॉलेज एंड के में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक न्यू टॉपिक के साथ में आए हैं कि पपीता कितना सेफ होता है प्रेगनेंसी में अगर कोई महिला इसका इस्तेमाल करती है या इसको खाती है। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उसको पपीता खाने से बिल्कुल मना कर देते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या होता है? क्या पपीता खाने से मिसकैरेज हो सकता है, यानी बच्चा जो है गिर सकता है? और बहुत सारी महिलाएं ऐसा होती हैं जो जिनको जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि वो नहीं चाहती कि उनको प्रेगनेंसी हो लेकिन जो है गलती से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो है वो पपीते का इस्तेमाल इसलिए करती हैं कि उनका जो है मिसकैरेज हो जाए या बच्चा जो है गिर जाए। तो क्या प्रेगनेंसी में पपाया यानी कि पपीते का इस्तेमाल करने से मिसकैरेज हो सकता है, इसी को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, और भी मेडिसिन की जानकारी के लिए या जो है किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में पपीता खाना कितना सेफ है या सेफ नहीं है, इसको जानने से पहले हम पपीते को दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक कच्चा पपीता, जिसका बाहरी छिलका जो है वो हरे कलर का होता है, और दूसरा जो होता है पूरा पका हुआ पपीता, जिसका जो है बाहरी छिलका जो है वो येलो कलर यानी पीले कलर का होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कच्चा पपीता यानी कि जिसका रंग हरे कलर का होता है बाहर का, अगर उसको प्रेगनेंसी में महिला इस्तेमाल करती है तो उससे होगा क्या? तो जो कच्चा पपीता होता है उसमें जो पाया जाता है पपाया लेटेक्स, तो पपाया लेटेक्स के अंदर जो है एक एंजाइम पाया जाता है पपेन। तो जब महिला कच्चे पपीते का इस्तेमाल जो है प्रेगनेंसी के दौरान करती है, तो अगर किसी भी वजह से ये जो पपेन का अमाउंट है वो महिला के अंदर ज़्यादा हो गया, तो इससे चांसेस ये हो जाते हैं कि जो एम्ब्रियोनिटिक फ्लूड का मेम्ब्रेन होता है यानी जिसके अंदर जो है बच्चा रहता है, तो उसके फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके चांसेस जब बढ़ जाते हैं तो फिर उसमें जो है लेडी को लेबर पेन होने लगता है और फिर उसको मिसकैरेज होने के या बच्चा गिरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात हो गई कच्चे पपीते का प्रेगनेंसी के दौरान। तो कच्चा पपीता सेफ नहीं माना जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। अब बात करते हैं कि येलो पपाया यानी कि जो पूरा पका हुआ पपीता होता है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला इसका इस्तेमाल करती है तो उससे क्या होगा? तो अगर पका हुआ पपीता जो है वो महिला इस्तेमाल करती है तो इसमें जो है कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे इसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है। बीटा कैरोटीन बच्चे की ग्रोथ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बीटा कैरोटीन जो है वो बच्चे की बोन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बच्चे की टीथ की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसके अलावा आईज़ की डेवलपमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा जो है जो राइप्ड यानी पका हुआ पपीता होता है, महिला अगर उसका प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करती है तो इसमें फाइबर भी काफ़ी अच्छे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, और इसके अलावा पोटेशियम और विटामिन बी भी पाया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर महिला प्रेगनेंसी में पूरी तरह से पका हुआ पपीता इस्तेमाल करती है तो इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होता है। पके हुए पपीते में जो है वो फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, और फॉलिक एसिड जो है बेबी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ओवरऑल जो है पपीता पका हुआ जो है वो बेस्ट होता है प्रेगनेंसी में। अब हम दोनों तरह की पपीते की बात कर लें, तो प्रेगनेंसी में अगर आप कच्चा पपीता या जो है अर्ध पका पपीता यानी कि सेमी राइप्ड पपाया का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता हो कि ये आपको नुकसान करे, और अगर आप पूरी तरह से पका हुआ पपीता प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं
कि प्रेगनेंसी में आपको पपीता बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पके हुए पपीते में भी जो चीज़ें पाई जाती हैं वो और बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, खाने पीने की चीज़ें आती हैं, जो जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। अब एक चीज़ और आती है कि बहुत सारी महिलाएं जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है वो बच्चा गिराने के लिए पपीते का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी में पपीता जो है खाने से चांसेस होते भी हैं कि बच्चा जो है वो गिर जाए यानी मिसकैरेज हो जाए, और हो भी सकता है कि बच्चा ना गिरे। तो कई सारी महिलाएं जो है वो अजीब से भ्रम में रहती हैं कि उन्होंने पपीता भी खा लिया, कच्चा पपीता भी खाया, लेकिन उसके बाद जो है उनका बच्चा नहीं गिरा, तो वो परेशान होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कच्चा पपीता भी लगातार इस्तेमाल करती हैं और आपके बॉडी में जो है पपेन का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता है किसी भी कारण से, तो फिर बच्चा जो है वो मिसकैरेज नहीं होगा आपका, यानी कि बच्चा नहीं गिरेगा, और फिर इसके लिए जो है आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर अपने हिसाब से अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो फिर वहाँ पर वो MTP किट्स का इस्तेमाल कर सकती है, और अगर प्रेगनेंसी 70 दिन से या 60 दिन से ज़्यादा का हो गया है तो फिर वहाँ पर वो DLC यानी कि जो है सफाई जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वहाँ पर वो उसका इस्तेमाल करके फिर बच्चे को मिसकैरेज करवाती है महिला के शरीर से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कच्चा पपीता कोई महिला खा रही है तो उसका मिसकैरेज हो जाए। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो यहाँ पर बात बताई गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। आपका बहुत बहुत